सो हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द एनिमी न्यूज में। तो आज की वीडियो वाक्य में हमारी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज मैं आप सबके लिए दिल में कुछ तो है छुपा कर नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ, मतलब पार्ट 3। और गाइस बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टोरी है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर फुल वॉच करना। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारी इस सीरीज के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हो तो दोस्तों क्या ही कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद जाके जरूर से जरूर वॉच करना। और गाइस मिलता हूं गाइस एक इंट्रो के बाद, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे एनिमी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि गाइस बहुत ही बेहतरीन। जैसा कि हम सबने पार्ट 2 के लास्ट में देखा था कि मित्सुओ जैसे ही पयान की आवाज़ सुन के कमरे में जाता है, वहाँ पर मित्सुओ को मिलती है और मित्सुओ को पड़ी रही होती है, वो गलती से उसकी गोद में आगे पड़ जाती है, मतलब मित्सुओ उसको बचा लेता है। बट ये सारी चीजें पाको होती है वो थोड़ी लेट देखती है, और पाको ये सब चीजें देख के कि वो उसकी गोद में बहुत ज्यादा जल जाती है, और ये सोच रही होती है कि मित्सुओ तो मुझे चीट कर रहा है, मतलब ये तो बहुत बुरा है, और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो वहां से चली जाती है। और रास्ते में जाते जाते वो रो भी रही होती है, और ऐसे में हम दूसरी तरफ देखते हैं तो बाथरूम से एक आदमी निकल के आता है, वो और कोई नहीं अपना पयान होता है। पयान वहां पर मित्सुओ के साथ आया, और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि ये मित्सुओ तो मुझे धोखा दे रही है, ये भी मुझे चीट कर रही है, और ये हरामी मित्सुओ तो इसको तो मैंने पाको के साथ भेज दिया था, बट ये तो मेरी वाली के पीछे पड़ा है, मतलब मित्सुओ के पीछे पड़ा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और वो भी यहाँ पर गुस्से में अपने घर पर चला जाता है। तो अब हम देखते हैं जो मित्सुओ होता है वो मित्सुओ से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और किसके साथ आई हो, उससे ढेर सारे सवाल पूछने लग जाता है। बट मित्सुओ उन सब सवालों का जवाब नहीं देती है, और वो बोल देती है शायद मुझे आवाज आई पाको की, पाको तुम्हें बुला रही है। तो मित्सुओ ये सुन के सोचता है कि हाँ मुझे बहुत देर हो गई यहाँ पर आए, बट मित्सुओ बोलता है तुम अपने घर पे चली जाना और मुझे नहीं पता तुम किसके साथ आई, और चली जाना कभी, मतलब ऐसे ऐसे बोल के वो चला जाता है। तो वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है, वहां पर पाको नहीं होती, वो सोचता है कि पाको कहाँ गई, वो पूरा होटल चेक कर लेता है, वो कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है, बट उसे पाको कहीं नहीं दिखती। वो एक बार के लिए तो टेंशन में आ जाता है, बट वो वहाँ के वेटर से पूछता है जैसे, तो वो बताते हैं कि अच्छा वो पाको जो आपके साथ आई थी वो तो अभी अभी बाहर चली गई है, मतलब अपने घर पर चली गई है। तो ये बात सुन के मित्सुओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वो सोचता है शायद वो बहुत ज्यादा थक गई होगी और उसे घर पर जाना होगा, शायद इसलिए गई होगी। तो वो ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता, मित्सुओ भी अपने घर पर चला जाता है, और मित्सुओ को भी अपने घर पर चली जाती है। सब अपने अपने घर पर चले गए। मित्सुओ थी वो गाइस वो तो पागल ही हो जाती है, वो सोच रही होती है अचानक से वहां पर पयान गायब हो गया, अचानक से मित्सुओ आ जाता है, और ये क्या हो रहा था वहां पर, मतलब वो तो अपने मतलब पागल सी हो जाती है गाइस। और गाइस तो उन सभी की वो रात बहुत ही ज्यादा दुख में बीतती है। अब गाइस सुबह हो जाती है, सुबह होते ही मित्सुओ ये सोचता है आज का दिन मेरा बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। और दूसरी तरफ जो पाको थी वो रो रही थी, उसकी रोबोट उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, तुम एक बार मित्सुओ से बात करके देखो, ऐसे रो मत, मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता, एक बार बात तो करके देखो। बट पाको बोलती है आज के बाद मैं उससे नहीं बोलूंगी, वो बहुत ही बेकार है, और मतलब ऐसी ऐसी बातें करती है। और तीसरी तरफ पयान ने तो अपना प्लान सोच ही लिया था, और गाइस वो मित्सुओ को मतलब पाको को कॉल करता है और बुलाता है, पाको एक बार यहाँ पर आओ जल्दी सी। और गाइस हम देखते हैं मित्सुओ स्कूल में जाता है, मित्सुओ स्कूल में जाते ही उसके टीचर से बहुत ज्यादा डांट पड़ जाती है, और वो गाइस बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और गाइस अब मित्सुओ को भी उसके साथ स्कूल से जब छुट्टी हुई आ रही थी,
मिचुको से वो पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी। तो मिचुको तो पहले ही गुस्से में थी कि पयान वहाँ से चला गया, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, तो वो उसके ऊपर डांट मार देती है। तुम्हें इससे क्या मतलब है, मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे मतलब बात मत करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो उसे झाड़ देती है। और जैसे ही मिचुको घर पर आता है, घर पर आती है उसकी मोम उसे बहुत ज्यादा डांट मार देती है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों जो मिचुको था वो बिल्कुल ये सोच रहा था कि मुझे तो लगा था आज का मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, बट आज का तो दिन मेरा बहुत ज्यादा बेकार जा रहा है। और मुझे विश्वास है मैं परमानेंट ड्यूटी पर जाऊंगा तो मेरा दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि जो पाको है मुझे कभी भी नाराज नहीं करेगी, वो मुझे प्यार करती है। और गाइस यही बातें सोचे जा रहा था मिचुको, इसी आस में अपनी परमानेंट वाली ड्यूटी करने निकल पड़ता है कि आज का मेरा दिन तो बेकार चला ही गया, क्या पता मेरी शाम अच्छी चली जाए, क्योंकि वहाँ पर मैं पाको से मिल पाऊंगा। और वहाँ पर पहुंच जाता है, वहाँ पर और भी सभी परमानेंट थे और अपना अपना काम कर रहे थे। मिचुको पाको से जाके बोलता है, बट पाको इसे इग्नोर करती है, पयान से बोलता है, पयान भी उसे इग्नोर करता है, और पाको और पयान एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों मिचुको सोच ही रहा होता है कि क्या हुआ क्या हुआ, तो हमें एकदम से पास्ट दिखाया जाता है। सुबह सुबह जब पयान ने पाको को बुलाया था तो पाको वहाँ पर गई थी, तो पाको जाके बोलते है क्या हुआ पयान, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो पयान बोलता है कि मुझे ये पता चला है कि मिचुको के लिए वो तुम्हें चीट कर रहा है, और ये उसकी बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मतलब वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो तुमसे प्यार करता था ना, तो मिचुको के पीछे क्यों पड़ गया, उसको बहुत चढ़ा देता है। तो पयान ये भी बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम उस प्लान से उसको मजा चखा सकते हैं, और क्यों ना हम ये प्लान अपनाएं। तो पाको बोलती है कौन सा प्लान, तो पयान बताता है क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने की एक्टिंग करें उसके सामने, और उसके बोले मतलब उसे इग्नोर करें, हम उसे बात ही नहीं करेंगे, और जब ज्यादा वो बात करेगा उसे झाड़ देंगे। तो यही बात पाको सुन के ये बोलती है हाँ ये ठीक रहेगा, और पाको गुस्से गुस्से में ये बात मतलब सारा प्लान मान जाती है। तो दोस्तों हम पास्ट में मतलब प्रेजेंट में चलते हैं। अब गाइस मिचुको उनसे बातें करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, वो दोनों नहीं करते। मिचुको सोचता है कि क्या हुआ, मतलब इनको क्या हुआ, ये क्यों नाराज है मुझसे, मतलब मिचुको को दुख भी हो रहा था क्यों नाराज है मुझसे, कुछ गलती हो गई है। मिचुको बहुत ज्यादा मतलब माफी मांग रहा था, मतलब पाको मुझे माफ कर दो, कुछ गलती हो गई है तो बताओ, तो मेरी गलती क्या है। तो तभी पाको सोचती है देखो ये कितना अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, इसको सब पता है बट देखो कितना अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, देखो देखो। तो पाको यही सोच रही थी और पयान भी यही सोच रहा था, देखो इसको सब कुछ पता है मिचुको के साथ इसने क्या किया, और देखो कितना ये मतलब सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। बट मिचुको को सच में कुछ नहीं पता था, मिचुको फिर भी उसे माफी मांगी जा रहा था, वो दोनों माफ नहीं कर रहे थे। तो लास्ट में मिचुको जब उसे चिल्ला के बोलता है क्या हुआ पाको बताओ, तो वो दोनों उस पर चिल्ला के बोलते हैं कि जाओ तुम, अब हमने तुमसे बात नहीं करनी, तुम बहुत बेकार हो, मैं पयान से प्यार करती हूँ, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम बहुत बेकार हो। तो ये बात सुन के मिचुको के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है, मिचुको बहुत ज्यादा रोता है और बोलता है मेरी क्या गलती है पाको, ये तो बताओ मतलब मैंने क्या किया है, और बहुत ज्यादा रो रहा होता है गाइस, और बोलता है प्लीज बताओ तो पाको। तो पाको बोलती है नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम बहुत बेकार हो, मतलब ही हो तुम, मतलब ही, तो बात ही नहीं करनी। तो ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, मिचुको को बहुत ज्यादा दुख था, मिचुको बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, उसका परमानेंट ड्यूटी पर जाने का भी मन नहीं था, उसे स्कूल में भी बहुत ज्यादा डांट पड़ने लगी थी उसके होमवर्क को लेकर, ना वो होमवर्क करता था, और गाइस वो किसी से बात ही करनी छोड़ दी थी उसने, अब वो अकेला रहता था, उसका रोबोट भी उससे पूछता था क्या बात है बट वो बताता नहीं था, बहुत ज्यादा दुख में रहता था गाइस। और इसी के चलते उसकी मोम भी उस पर डांट मारने लगी थी क्योंकि वो कुछ भी काम ठीक से नहीं करता था, और गाइस ना ही अब पयान पाको उससे बात करते थे, वो बहुत ज्यादा दुख में रहने लगा था, बहुत ज्यादा, बट वो उससे बातें करने की पूरी कोशिश करता था गाइस, ऐसी बात नहीं है वो बात नहीं करता था, वो कोशिश करता था बट वो दोनों बात नहीं करते थे। और ऐसे में गाइस मिचुको भी बहुत ज्यादा गाइस दुख में थी। एक दिन मिचुको पार्क में बैठी थी और सोच रही थी कि पयान भी मुझसे बात नहीं करता, मतलब पयान मुझसे नाराज हो गया, और गाइस बहुत ज्यादा दुख में वो भी रो रही थी। तो तभी वहां पर परमैन हमारा परमैन पहुंच जाता है, परमैन वहां पर जाके देखता है कि मिचुको भी रो रही है, और मिचुको देखती है कि परमैन भी बहुत ज्यादा नाराज है, मतलब दुख में है, बहुत ज्यादा दुखी है, क्या बात है, मैं उससे पूछती हूँ। तो जैसे ही वो जाते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, और तभी मिचुको बोलती है वो पयान है ना वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तुम पूछ रहे थे ना उस दिन नाइट शो में किसके साथ गए थे, वो ना मैं पयान के साथ गई थी उस दिन, और वो मुझसे बात नहीं कर रहा, उसे शायद ना उसने हम दोनों को एक साथ मैं तुम्हारी गोद में निपट गई थी, उसने तब देख लिया और वो नाराज हो गई। तो ये बात सुनते मिचुको सोचता है शायद उसी दिन पाको ने भी देख लिया होगा मुझे। तो मिचुको बोलती है हाँ वो पीछे खड़ी थी, वो देख के बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जैसे ही मिचुको ये बात सुनता है कि पाको ने उसे देख लिया था, और गाइस उसका तभी दिल टूट जाता है, इस बात के लिए नहीं कि उसने देख लिया था, इस बात के लिए कि उसने शक किया, इतनी छोटी सी बात पर उसने अपने प्यार पर शक किया, उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है, वो जोर से रोने लग जाता है कि उसने ऐसा कैसे किया, वो अपने प्यार पे शक किया उसने, इतनी छोटी बात के लिए उसने मुझसे बात भी नहीं की, ऐसा कैसे कर सकती है, वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है गाइस, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा गाइस क्या बोलूं, उसके दिल में अब क्या बात चल रही है।
आप ही सुन लीजिए गाइस। दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। उखड़ा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम। और गाइस यही बातें सोचता सोचता कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देके वो अपने घर पर चला जाता है। रोबोट रहा होता है, वो ज़्यादा रो रहा होता है अपने घर पर जाके। उसका रोबोट पूछता है, क्या हुआ मिस्सो, तुम इतने रो क्यों रहे हो, क्या बात है, बताओ मुझे, कुछ बात हो गई क्या, बताओ बताओ मिस्सो बताओ। तो उसका रोबोट से बोलता है, पता है क्या बात हुई, चलो मैं तुम्हें सब बात बताता हूँ। वो पागो ना मुझसे पता क्यों नाराज है, मैं इतने दिनों से नाराज इसलिए रहता था, वो मुझे बात नहीं करती थी, अब वो प्यान के साथ रहने लगी थी क्योंकि उसने ना मुझे ऐसे ऐसे देख लिया था और प्यान मिचिकों को भी लेके गया था और ऐसे ऐसे सब बातें बताता है। उसका रोबोट बोलता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसने तुम पर चेक किया, इतनी छोटी सी बात के लिए, हाँ मत करो बात मत। अब यही बात सोच के वो पूरी रात सोता है, यही गाना सुनता रहता है। और गाइस बहुत ज़्यादा रोता रहता है, बहुत ज़्यादा गाइस रोता ही रहता है, मतलब क्या ही बोलूँ गाइस पूरी रात। बट अब सुबह हो जाती है, अब सुबह होते ही गाइस मिस्सो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब मिस्सो रोंतड़ू नहीं बनता, अब मिस्सो उनसे खुद बात नहीं करता, अब मिस्सो खुद उनसे दूर रहने लगा था। अब मिस्सो को जो काम था बस अपना काम करके अपना दूर रहने लगा था उनसे, ना बात करता था। बयान और पाको भी सोचते थे कि अब ये उनसे बातें क्यों नहीं कर रहा, हमसे माफ़ी मांगने क्यों नहीं आ रहा, इसको मतलब क्या हुआ, वो ये सोचते रहते थे। बट वो अब बिल्कुल बदल चुका था, अपना काम टाइम पर करता था, ना उसके टीचर से डांट पड़ती थी, ना ही उसे उसकी मोम से डांट पड़ती थी, बिल्कुल बदल चुका था मिस्सो बिल्कुल। और गाइस बहुत बदल चुका था। तो ऐसे में मिचिको फिर भी रोती रहती थी पार्क में बैठ के। एक दिन प्यान वहाँ से जा रहा था, मिचिको उसे बुलाती है, बट प्यान वहाँ पर नहीं आता उससे बुलाने से। बट वो एक दिन मिचिको प्यान के आगे ही आगे खड़ी हो जाती है कि रुको मेरी बात तो सुनो प्यान एक बार। तो बोलता क्या, बोलो मिचिको बोलो क्या आप बताना चाहती हो, तुम मुझे धोखा दे रही थी, चीट कर रही थी। तो बोलता पहले मेरी बात तो सुनो प्यान, उस दिन पता क्या हुआ था, उस दिन मैं चेयर पे खड़ी थी और पढ़ने ही वाली थी, तो मिस्सो एक दिन आके उसने मुझे बचा लिया, मैं पढ़ जाती नहीं तो, ये बात थी और कुछ नहीं थी, और पाको ने और तुमने बिल्कुल गलत देखा जो भी देखा। तो तभी तो अब मिचिको की ये बात सुन के प्यान क्या करता है, उसे अपनी गलती पर पछतावा होगा या वो पाको के जाके सारी बात बताएगा, अब क्या करेगा वो तो गाइस आप सबको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों कैसे लगी आप सबको ये वीडियो, आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जल्दी जाओ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताओ आप सबको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारी बेल कॉल पे सेट करके एनिमे फैमिली का सब बन जाने, जो कि गाइस बहुत ही बेहतरीन बात है। और दोस्तों इस वीडियो पे हम लाइक हम रखते हैं 350 लाइक्स, जैसे ही 350 लाइक्स कंप्लीट होती है आप सबका पार्ट 4 आ जाएगा। और गाइस वाकई में पार्ट 4 है जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार तो होने वाला और गाइस बहुत ही ज्यादा रोमांटिक भी होने वाला। सो गाइस जल्दी से यार लाइक एम कंप्लीट करवाओ। और दोस्तों मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग की स्पोर्टिंग, बाय।